हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीके से घर बैठे हम आपको मेनिक्योर पेडिक्योर पैरों और हाथों को करना बताएंगे। 2 से 4 दिनों के अंदर इस रेमेडी को आपने यूज़ कर लिया तो पार्लर जाना हमेशा के लिए आप भूल जाओगे, क्योंकि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रेमेडी से आपको पार्लर जैसा ही निखार मिल जाएगा घर पर इस रेमेडी से। तो पार्लर जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, एक ही बार में 1000-2000 रुपया लग जाती है। तो आप इस पैसे को बचा सकती हो और अपने इस आसान से रेमेडी को बनाकर, पावरफुल रेमेडी बना करके, और आप अपने मेनिक्योर पेडिक्योर घर पे ही कर सकती हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी मेरा नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रेमेडी आज शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते भाई जाइएगा। तो सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है और बाउल में हमने लिया है 1 चम्मच लगभग, आप देख रहे हो, एलोवेरा जेल। ये मार्केट वाली जेल नहीं है, ये हमने घर पर बनाया है और ये बहुत ज़्यादा शुद्ध है। तो एक ईजिली तरीके से हमने इस रेमेडी, इस एलोवेरा जेल को बनाया, जो मेरे चैनल पर ही इसकी वीडियो मिल जाएगी कि मैंने इस जेल को कैसे बनाया है। तो ये बहुत ही अच्छी जेल होती है, ये गुणों से भरपूर होता है। स्किन के मामले में तो ये बहुत ज़्यादा ही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग गुण मौजूद होते हैं, जो कि स्किन के बहुत सारे रिलेटेड प्रॉब्लम को ख़त्म करती है और स्किन के हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। और इसके साथ ही स्किन के तमाम जो प्रॉब्लम होती है ना, उसे ये मगर रिलीफ मिलाती है, हमेशा के लिए फिनिश करती है, ख़त्म करती है। इससे बहुत ज़्यादा चेहरे पे ग्लो आता है, मुहासा से बिल्कुल भी, ये मुहासे का जो प्रॉब्लम आपको हो रही है ना, उससे ये छुटकारा दिलाता है, इसे निजात दिलाता है। ये रैशेस या दाग धब्बे को भी बहुत हद तक कम करता है, यानी कि ख़त्म ही करता है। फटी एड़ियों की ये बहुत जल्दी ठीक करता है, और ये एकदम से अपने, जैसे कि जो एड़ियाँ ना फटी हुई, उसे बहुत ज़्यादा हद तक ये सॉफ्ट बनाता है। तो बहुत ही अच्छा है, इसमें एजिंग, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जो हमारे स्किन को साफ रखती है। तो दूसरा जो इन्ग्रीडियंट्स जो हम लेंगे वो है फ्रेंड्स, ग्लिसरीन। चूँकि स्किन को मुलायम करने में बहुत ज़्यादा ये काम करता है और चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो लाता है, ग्लिसरीन में एंटी एजिंग का भी गुण होती है, जैसे चेहरे पे झुरियाँ आना, झाइयाँ होना, खास करके ओमेंस को, जो खास करके लेडीज़ लोग को ही झुरियाँ आ जाती है बहुत ही जल्द, क्योंकि मर्दों के बराबरी में लेडीज़ को ना, औरतों को काफ़ी झुरियों का सामना करना पड़ता है, फाइन लाइन काफ़ी हो जाती है, जिससे कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा ही चेहरे पर फाइन लाइन दिखने लगती है। तो इसे ये भी ख़त्म करता है। तो ये बढ़ती हुई एज को ये थोड़ा बहुत ज़रूर छुपाता है। ग्लिसरीन नमी लाने में भी बहुत ज़्यादा काम करता है, मौसम और पानी की कमी से स्किन पर जो रूखापन आ जाता है ना, उसको भी ये ठीक करता है, साथ ही जो स्किन पर डेड सेल्स जो हो जाता है ना, उसे भी ये ख़त्म करता है, मुहासे को भी ये हद तक ख़त्म करता है, मुहासे से छुटकारा इसे दिलाता है, चेहरे पे नमी ना होने के कारण जो पिंपल्स हो जाते हैं ना, उसे भी ये हद तक रोकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जो तीसरा इंग्रेडिएंट्स जो लेंगे वो है नींबू। फ्रेंड्स, नींबू हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, नींबू में पाए जाने वाले जो गुण जो होता है ना, वह स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, इसके अलावा नींबू में भरपूर मात्रा में फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन बी भी होती है। तो आधी नींबू को हमने इसमें निचोड़ लिया है, और निचोड़ने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो नींबू में एसिड और नेचुरल शुगर भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, इसलिए नींबू का रस जो है ना, चेहरे पे लगाने से दाग धब्बे दूर होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो कि हमने तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब फ्रेंड्स, अब हम जो चौथा जो इन्ग्रीडियंट्स इसमें लेंगे वो है चीनी। थोड़ा सा हमें लगभग 1 चम्मच चीनी लेना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये एक फेस पैक भी है और ये एक स्क्रब भी है, हम दोनों तरह से इसे यूज़ करेंगे, दोनों एक ही में डाल करके हम दोनों को एक बार में ही यूज़ करेंगे।
तो चीनी भी हमारे बहुत सारे जैसे कि चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास चीनी का भूरा हो तो आप उसे डाल सकते हो। अगर आपके पास चीनी का भूरा ना हो तो मिक्सी जार में इस चीनी को पीस लेना और पीस करके इसमें डाल देना। अगर वो भी ना हो तो इसे इसमें डालने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना, मेल्ट करना। तो अब हम जो इसमें चीज़ डालेंगे वो है बेसन। अगला जो हम इसमें इंग्रेडिएंट्स जो डालेंगे वो है बेसन। बेसन चूँकि आप जानते हो कि इसे पुराने ज़माने से बहुत ज़्यादा यूज़ करते आ रहे हैं लोग। पहले ज़माने में साबुन वगैरह नहीं होती थी तो साबुन का ये काम करता था। बहुत ज़्यादा हमारे चेहरे पर जो झुर्रियाँ होती है ना उसे ये बहुत ज़्यादा मिटाता है, फाइन लाइन को ये बिल्कुल ख़त्म करता है। बेसन में मौजूद जो एंटी ऑक्सीडेंट इन्फॉर्मेटरी जो एंटी बैक्टीरियल गुण जो होता है ना वो हमारे चेहरे में मौजूद पिंपल्स को ठीक करता है, मुहासे को ठीक करता है। साथ ही चेहरे के रंगत को बहुत ज़्यादा निखार आता है, बहुत ज़्यादा ये गोरा बनाता है, चेहरे की दाग धब्बों को छुटकारा दिलाता है। बेसन से ड्राइनेस दूर होता है, बहुत ज़्यादा निखार आता है, ये डेड सेल स्किन को भी ख़त्म करता है, टैनिंग को ख़त्म करता है, झुर्रियों और फाइन लाइन को बिल्कुल ख़त्म करता है, कम तो कम ख़त्म कर देता है। यह हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाता है और स्किन को एकदम चमकदार बनाता है। एक स्किन की सारी गंदगी को साफ कर एक पीकदार सा चेहरा देता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही फायदे है इसके जो आप देख सकते हो। अगला जो हम इंग्रेडिएंट्स जो लेंगे ना वो है रोज़ वाटर। चूँकि आप जानते हो रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल, गुलाब जल बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेस्ट होता है हमारे स्किन के लिए। ये स्किन जब हम इसे इसकी जो अपने फेस पैक में जो लगा करके जो हम बनाते हैं ना, जब इस पर लगाते हैं चेहरे पे तो एकदम से ठंडा सा एहसास होता है और एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है। इस रोज़ वाटर से हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा बेशुमार फ़ायदे हैं। ये सन ब्लॉक का भी काम करता है। कहने का मतलब कि जब भी आप बाहर जाते हो ना तो आपको जैसे कि धूप लगता है ना तो ये धूप से बचाता है, ऑयली स्किन को भी बैलेंस करता है और आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली होने नहीं देता है। ये स्किन पर रेड लाइन्स को भी ख़त्म करता है। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्किन को प्रोटेक्ट करती है, या फाइन लाइन और रिंकल्स जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम को ये ख़त्म करती है। अगला जो हम इंग्रेडिएंट्स जो लेंगे ना वो है फ्रेंड्स कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो कॉफ़ी पाउडर में जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ये पीने के साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कॉफ़ी से सुंदरता बढ़ाने के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। कॉफ़ी में मौजूद जो कॉफ़ीन जो होता है ना फ्रेंड्स, तो जो स्किन को हेल्दी रखने में हमारा हेल्प करता है। काफ़ी ऊर्जा के साथ साथ कॉफ़ी ऊर्जा के साथ साथ सुंदरता बढ़ाने में भी हेल्प करता है। इसलिए स्किन केयर स्किन मास्टर का जो काफ़ी फेवरेट प्रोडक्ट है। तो अगर आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे हैं वो भी इसे ठीक करता है। कॉफ़ी ब्लैक हेड्स को भी ये ठीक करता है, यानी कि ख़त्म करता है, फिनिश करता है। काले दाग धब्बे को भी यह बहुत हद तक ठीक करता है, ऑयली स्किन को भी यह सही करता है। कॉफ़ी में मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट प्रदूषण से हुए ब्लैक हेड्स और ओपन पोर्स के से चेहरे को जो बचाता है ये कॉफ़ी ही है। तो इस तरह सारे चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसे अब अप्लाई करना। तो अप्लाई देख सकते हो कि मैं कैसे कर रही हूँ। अपने हाथों से लेना है और अपने बॉडी पे फुल बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। हाथ पे लगा सकते हो, पैर पे लगा सकते हो, गर्दन पे लगा सकते हो, हाथों पे सॉरी फेस पे लगा सकते हो। आप हर जगह इसे अप्लाई कर सकते हो। हफ्ते में 1 से 2 बार इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करना और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देखोगे, अमेजिंग से रिज़ल्ट इसका देखोगे। यकीन नहीं करोगे कि आपको 1 से 2 बार ही इसे यूज़ करने के बाद आपके चेहरे की जितनी भी प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म हो जाती है। मैंने जो रिंकल्स वगैरह होती है, जो पिंपल्स होती है, डार्क सर्कल होती है, बहुत सारे जैसे कि स्किन प्रॉब्लम के रिलेटेड जो जितनी भी स्किन प्रॉब्लम जो होती है ना उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को ये ख़त्म करती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिसे आप यूज़ कर लो। और फ्रेंड्स इसे यूज़ करने के बाद उसके बाद से अपने हाथों को धो लेना, नहा लो या फिर ऐसे ही धो लो जैसे कि आप नहाने के पहले कर रहे हो तो नहा लो, या फिर ऐसे बिना नहाए इसे कर रहे हो फ्री, जैसे कि जब आप फ्री होते हो तो कभी करते हो ना, तो इसे कर लेना और हाथों पैरों को धो लेना। तो आपको एक अमेजिंग सी रिज़ल्ट मिलेगी फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट मिली। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपको एक लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।